हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी है। धर्मेंद्र जी सबसे बड़ी बात जो हार हुई है इसके पीछे क्या कह रहे हैं? गठबंधन को बधाई दूंगा, भाजपा और बसपा का, जो गठबंधन विधानसभा में चला, राष्ट्रपति के चुनाव में सामने है ओपन, आजमगढ़ में वही चीज और शायद उसी का परिणाम है कि हम लोग नहीं जीते। अखिलेश यादव जी नहीं आए, ऐसे तमाम तरह की चर्चाएं, पहले उसके पहले भी मैंने पूछा था, आपसे बात की थी, तो क्या कहीं वो बड़ी वजह तो नहीं बनी? नहीं, वो कोई वजह नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितनी क्षमता थी उस क्षमता से उन्होंने चुनाव को व्यवस्थित किया, मैनेज किया, सुपरवाइज किया। अब वो उनका अपना परंपरा है बाय इलेक्शन में न जाने की, तो मैं भाई होने के नाते मैं तो ये नहीं कि चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्यादाएं और परंपराओं को तोड़ के वो भाई की वजह से आए। धर्मेंद्र जी आप काफ़ी नाराज भी दिख रहे थे सुबह सुबह, अगर जिस तरह से घुसने की, तो क्या वो तो आपने खुद देखा होगा अपनी आंखों से, आपके कैमरामैन लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा है, पूरे देश ने देख चुके हैं। तो ये प्रशासन के लोग कठपुतली थे भारतीय जनता पार्टी के, और जिताने का पूरा टेंडर लिए बैठे थे। वोट अभी घटाए गए बढ़ाए गए आप पता कर लीजिए, मार्च और अप्रैल के बीच में वोट घटाए बढ़ाए गए, 25,000 वोट बढ़ाए गए जो विधानसभा में नहीं थे और इसमें बढ़ा दिए गए, और तमाम तरीके हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड धमकाना, मैनेजमेंट के लोगों को धमकाना, स्कूल वालों को धमकाना, नौकर पेशा लोगों को धमकाना, व्यापारियों को धमकाना, वो सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन सबके बावजूद मैं आजमगढ़ के लोगों को बारम्बार धन्यवाद देता हूँ। महज अंतर जो मेरे साथियों ने, जो एजेंट लोगों ने रीडिंग निकाली है, वो शायद 4:30 के आसपास का कुछ टैली आएगी जो कम रह गई, लेकिन गठबंधन के लोग बड़ा गठबंधन बना के घूम रहे थे, वो सफल हो गए। गठबंधन मतलब गुड्डू जमाली, उनका मुस्लिम कार्ड कहीं काम आ गया? गुड्डू जमाली तो बहुत छोटे मोहरा हैं, गुड्डू जमाली कोई चीज़ ही नहीं है, असली तो गठबंधन बहन जी और भाजपा का चल रहा है जो राष्ट्रपति चुनाव में भी सामने आ गया। आपका अगला कदम? अगला कदम पार्टी जो आदेश करेगी कौन, हमें सोचना है। आजमगढ़ के लोगों से रिश्ता केवल चुनाव का नहीं था, केवल चुनाव के दौरान नहीं जुड़ा, ये पीढ़ियों का रिश्ता है और इस रिश्ते को हमेशा मजबूत करेंगे। तो आजमगढ़ से जो रिश्ता है वो पीढ़ियों का है और इसे मजबूत करेंगे धर्मेंद्र यादव, उनका ये कहना है। लेकिन इसके साथ ही वो बसपा और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं इस हार का। तो अब देखना ये होगा कि जिसे वो गठबंधन कह रहे हैं, उस गठबंधन के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का क्या कहना है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।